हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 को डिटेल में डिस्कस किया था, और इस क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन के बारे में जानेंगे, जो कि पार्ट थ्री में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो चलिए शुरू करें फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, इसको हिंदी मौलिक अधिकार बोलते हैं। ये हमारे कौन से अधिकार रहते हैं? तो ये हमारे वो अधिकार होते हैं जो सामान्य स्थिति में किसी भी सरकार द्वारा सीमित या रिस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकते, और इसकी जो सुरक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। दोस्तों, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में दिया गया है, और फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है वो हमने यूएसए से लिया है। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को दोस्तों बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, और फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो देखते हैं दोस्तों हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स पार्ट थ्री में दिए गए हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध जो हमारे अधिकार होते हैं वो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि दोस्तों हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं कि जिसके कारण हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं या उसको अपना सकते हैं, और यह फ्रीडम हमको आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में दी गई है। नेक्स्ट है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, तो दोस्तों हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं किसी भी प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, और यह राइट हमको आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में मिलता है। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों 1978 से पहले फंडामेंटल राइट्स में रखा जाता था, लेकिन 44वें अमेंडमेंट के अंदर इसको डिलीट करके लीगल राइट्स के अंदर रख दिया गया है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमिट्स, दोस्तों यहाँ पर रिट्स की बात की जा रही है, जो कि आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट जारी करता है। अब हम यहाँ से पार्ट थ्री के बारे में जानेंगे। पहला है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में दोस्तों यह बात बोली गई है कि कौन कौन से लोग हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेंगे। तो बोला गया कि जो स्टेट है वो हमें फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करेगा, और स्टेट में कौन कौन से लोग आते हैं, तो यूनियन, स्टेट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि हमारी पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और जो भी हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, LIC हैं, SBI हैं, ये सभी हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेंगे आर्टिकल 12 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 को दोस्तों इनडायरेक्ट वे में हम जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं। आर्टिकल 13 में यह बोला गया है कि कोई भी लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वह उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दे। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि डील करता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में। तो फर्स्ट है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में दोस्तों इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि यह बोला गया है कि जो लॉ है उसके सामने सभी लोग इक्वल हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी हाई पोस्ट पे हो, जो हमारा कानून है सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है। लेकिन दोस्तों इसका कुछ एक्सेप्शन है, और जो हमारा एक्सेप्शन है जैसे कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे गवर्नर हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती जब तक कि वह अपने पद पर कायम है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे देश के एम्बेसडर होते हैं उनके ऊपर भी यह आर्टिकल फॉलो नहीं होता, उनको भी उनके ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रोसीडिंग की जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में दोस्तों प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब यह बोला गया है किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब के ऊपर। अगर कोई ऐसा करते हुआ पाया जाता है तो
आर्टिकल 15 के अंदर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 दोस्तों इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जितने भी प्रकार की सरकारी नौकरी निकलती है उसके ऊपर सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है, वहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ स्पेशल क्लॉज इसमें ऐड किए गए थे और जो हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, उनको ऊंचा उठाने के लिए आर्टिकल 16 के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों जो रिजर्वेशन का जो भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 16 के अंदर ही दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को अबोलिश करने के रोकथाम की बात की इसमें की गई और यह बोला गया है कि जो लोग भी अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को फॉलो करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है आर्टिकल 17 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में दोस्तों अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, जैसे कि जो हमारे राजा महाराजा महाराजा धीराज यह सभी जो टाइटल हैं उनको अबोलिश किया जाएगा ताकि सभी को समान रूप से ट्रीट किया जा सके। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं उनके टाइटल्स जैसे कर्नल ब्रिगेडियर जनरल और जो हमारे एकेडमिक के लोग हैं जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर, इन सभी को आर्टिकल 18 के अंदर छूट दी गई है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में दोस्तों डील करता है आर्टिकल 19 लेकर आर्टिकल 22 के बीच, और आर्टिकल 19 में हमको 6 तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करता है, जिसमें से पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हमारे पास बोलने का अधिकार है और हम अपने भाव को किसी भी प्रकार से लिखकर या फिर बोलकर व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम कहीं पर भी पीसफुली इकट्ठा हो सकते हैं, बस हमारे पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हम कहीं पे भी किसी प्रकार का एसोसिएशन यूनियन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया के टेरिटरी के अंदर हम कहीं पे भी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं या वहाँ पे परमानेंट सेटल हो सकते हैं। और नेक्स्ट है कि हमारे पास किसी भी प्रोफेशन को चुनने या फिर किसी भी बिजनेस को करने का स्वतंत्रता होती है। यह सभी फ्रीडम हमको आर्टिकल 19 के अंदर दी गई है। और दोस्तों जो हमारे प्रेस के लोग होते हैं उनको भी आर्टिकल 19 के तहत ही फ्रीडम दी जाती है, जिसे हम फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में दोस्तों दो बात बताई गई है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब कि आपको लॉ तोड़ने के अलावा किसी भी प्रकार किसी भी चीज के लिए सजा नहीं दी जा सकती। और सेकेंड है नो डबल जियोपॉर्डी, मतलब कि कोई व्यक्ति के ऊपर कोई भी गुनाह साबित हो जाता है तो उसको एक गुनाह के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। यह दोनों जानकारी हमको आर्टिकल 20 में दी गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब जीवन जीने का जो भी अधिकार है वो आर्टिकल 21 में दिया गया है। हालांकि दोस्तों बाद में हम कुछ इनडायरेक्ट राइट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिविंग हुड, राइट टू प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर शेल्टर एंड फ्री लीगल एड्स, राइट टू स्लीप, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यह सभी जो भी हमारे जो भी राइट्स हैं वो इनडायरेक्ट राइट्स के अंदर आते हैं, और यह जो इनडायरेक्ट राइट्स है वो हमको 1978 में हुए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन के केस के बाद मिला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट देते हुए डिफरेंट इनडायरेक्ट राइट्स को आर्टिकल 21 के तहत ऐड किया था। इसमें से दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में दोस्तों राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, और इसको फंडामेंटल राइट्स में 86वें अमेंडमेंट के अंदर जो कि 2002 में हुआ था, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखा गया था। दोस्तों अरेस्ट और डिटेंशन के कुछ केसेस में हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं जो कि आर्टिकल 22 का यूज करके हमें दिया जाता है। उनमें से पहला है अरेस्ट वारंट, मतलब बिना अरेस्ट वारंट के आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता, और अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर जिस भी अथॉरिटी ने आपको अरेस्ट किया है उसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा और प्रॉपर रीज़न देने होंगे। अगर कोर्ट को यह लगता है कि यह रीज़न आपको अरेस्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है तो कोर्ट आपको उसी समय बेल प्रोवाइड कर देगी। और थर्ड में यह बोला है गवर्नमेंट लॉयर, मतलब कि अगर आप अपना लॉयर हायर करने में सक्षम नहीं है
तो आपको एक गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके केस को उस कोर्ट के सामने रखेगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने आने वाले वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बचे हुए पार्ट्स को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।